2012 में कैंप्टी फॉल के ठीक ऊपर स्थित पहाड़ के टूटने से कैंप्टी की मुख्य झील पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन आज तक जिला पंचायत टिहरी ने मुख्य झील की सफाई नहीं की है। मुख्य झील में बड़े बड़े बोल्डर आज भी भीषण आपदा की गवाही दे रहे हैं। कैंप्टी में आ रहे सैलानी झील की हालत देखकर मायूस होकर लौट जाते हैं। आगे बहुत मायूसी हुई मेरे को, जब भी मैं पहले यहाँ पे आता था बहुत साफ सफाई थी, अब क्या है हर जगह ही पत्थर पैरों में चुभ रहे हैं, और पूरा जो नहाने का जगह है उस पर जगह पूरी पत्थर की पत्थर पड़े हुए हैं। तो मैं प्रशासन से बस यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि जब भी कोई पर्यटक बाहर से आए तो उसके लिए सुविधा बहुत अच्छी से अच्छी हो। यहाँ पे लगातार 5 सालों से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे झील में मैं आया हूँ पहले काफ़ी सुधार था, बट अब ये पहाड़ गिरने की वजह से सभी पत्थर एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जिसकी वजह से पर्यटकों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया है। वो सिर्फ नीचे नहाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऊपर झील में कुछ भी नहीं है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कृपया इन पत्थरों को हटा के झील को दोबारा वो पुराना रूप दिया जाए, ताकि और से ज्यादा ज्यादा पर्यटक यहाँ पे आए। कैंप्टी के व्यापारियों का कहना है कि जिला पंचायत व्यवस्था के नाम पर कैंप्टी से लाखों की कमाई करती है, लेकिन खर्च के लिए जिला पंचायत के पास पैसा नहीं है। व्यापारी जिला पंचायत के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जितने व्यापारी हैं सब यहाँ पे बिल्कुल आक्रोशित हैं, और जिला पंचायत के खिलाफ सब बिल्कुल इसमें एक रणनीति बना रखी है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम जिला पंचायत के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे यहाँ पे वो लोग आए और काम करें। वहीं जिलाधिकारी भी अपना रटा रटाया बयान देकर पल्ला झाड़ रही हैं। 2012 की आपदा में कैंप्टी फॉल की मुख्य झील क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जिला पंचायत ने मुख्य झील को साफ कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे पर्यटकों में मायूसी और स्थानीय निवासियों में आक्रोश नजर आ रहा है। कैंप्टी फॉल की मुख्य झील में मलबा और बोल्डर 5 साल से नहीं हटाए गए, साथ ही कैंप्टी में चारों ओर गंदगी पड़ी है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। कैंप्टी आ रहे सैलानी गंदगी और अव्यवस्था से नाखुश हैं, लेकिन जिला पंचायत टिहरी बेखबर है। देवभूमि न्यूज के लिए मसूरी से आशीष भट्ट।